के अंदर कहूंगा कि हमारा अमन डिपेंड करता है आज की दिशा को तय करने के लिए, वरना हमारा बहुत सारा अमल अभी मुहर्रम का महीना आने वाला, मुहर्रम के महीने में देखेगा लाठी डंडा और क्या ध्यान देंगे जंगी, हम जंगी कर रहे हैं। जंगी क्या है? लाठी डंडा। तुमको ये वैसे सूखी लकड़ी दे दे तो वो चलानी नहीं आता। सेल्फ डिफेंस के लिए आप लाठी डंडा प्रैक्टिस कर सकते, कोई मना नहीं, लेकिन जो शराब पीकर डांस करते जाएंगे, रास्ते से जाएंगे, हमारे यहाँ बहुत होता है। हम लोग अभी अभियान चलाते हैं 10 दिन रमजान में, पहली तारीख से लेकर 10 रमजान तक, मुहर्रम तक, ये इस्लाह माशरा के काम है। उसमें ये देखते हैं कि जाता है ढोल बजाता है, जाता है डंडा लेकर किसी की टीम में मार दिया, बता किसी के पेड़ को तोड़ देते। इसीलिए क्यों ऐसा कर रहा? जंगी है, सब जायज जंगी है। अब एक गोली की आवाज सुनोगे तो 5 फीट कूदे चलते, जंगी बंगी कुछ नहीं है, ढोंग है सब। हाँ, आप करना चाहते हैं तो लाठी डंडा तलवारबाजी सीखना एज अ हुनर गलत नहीं। आपके गांव के पुराने जो लोग हैं उनको कहिए कि आप जानना सीखना चलाना जानते हैं ना, चलिए हमको मैदान में लेकर के मुहर्रम के ताल्लुक से हम वहीं पर डंडेबाजी करेंगे, तलवारबाजी सीखेंगे, परमिशन कीजिए, मना नहीं। नॉट फॉर वायलेंस, अपने हुनर के लिए सीख सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, ये कोई इलीगल भी नहीं। लेकिन किसी को मारने काटने या उग्र फैलाने के लिए करेंगे तो फिर आपके ऊपर बंदिश लग जाए। बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप के लिए, किसी एन वक्त में जब आपकी मौत हो रही हो, जब आपको कुछ डाकू मार रहे हो, अपनी जान बचाने के लिए उन डाकुओं से कोई हथियार मिल जाए, आपको कोई डंडा मिल जाए, उससे सामने डाकू से बचने के लिए अपने आप को बचाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे नहीं कराए ये जाए। इसलिए कि सेल्फ डिफेंस इसकी परमिशन है। इसलिए नौजवानों, मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बेहतर तरीका प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमारे नौजवानों, नई जनरेशन है, बहुत सारी स्कीम और बहुत सारे मंसूबे हैं इस देश में, पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटाने की। खुदाना अमल के मैदान में आ जाओ और दिखा दो, आए बहुत दिन तक दुगी बजाने के लिए कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कुछ लोग हमारे हिंदू भाई ने, कुछ लोग आए, कुछ दिन तक लगाए डीजे, पैसे पॉकेट में खत्म हो गए तो डीजे भी गायब हो गए। पढ़ो, हम तो कहते पढ़ो, हम आपको याद दिलाएंगे, हम फजर की अज़ान के लिए जाएंगे, आपको कहेंगे भैया हनुमान चालीसा करो, क्यों क्या, चलिए पढ़िए अज़ान। किसी मिशन के लिए नहीं, अज़ान बंदगी के लिए हम देते, अल्लाह की इबादत के लिए देते। इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है वो कोई मकसद नहीं है इस देश को किसी तरफ ले जाने का। अज़ान देते हैं, इधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे, पता नहीं उधर फैलाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। नौजवानों, आपको किरदार, आपको कैरेक्टर रसूल इख्तियार करने की जरूरत है। आपके जितने भी कांवड़िए के साथी जाते, अगर रास्ते में कहीं पर कोई अगर प्यासा है, प्यास से उसको पानी की जरूरत है तो पिलाइए, इंसानियत के नाते पिला दीजिए, अगर वो मर रहा है वहां पर। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, अगर उनको दफ्तर की जरूरत है, पैसा नहीं है, तो अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल तक लेकर जाइए। हो सकता है कि आपकी अखलाक से मुतासर होकर अल्लाह उसको हिदायत की तौफीक दे दे। मैं कंट्रीब्यूट नहीं करने कहता हूं, ताऊ नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, बल्कि जब उनको बहुत ज्यादा किसी चीज की शिद्दत होती, जरूरत होती, तो आप सोचा कदम आगे बढ़ाए और फिर अपनी आवाज को बुलंद करना सीखे, अपनी आवाज डरिए मत। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। हम अपने इलाके में कल एक छोटी सी मीटिंग रखे, कुछ लोग आए आकर के, मौलाना अब्दुल्ला ऐसा है वैसा है, ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा सुन लो, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। वक्ती तौर पर ये कुर्सी इख्तदार में बैठे हो, वक्ती तौर पर, लेकिन आएगा टाइम उन लोगों का जो हक परस्त है, और जब हक परस्त आएंगे तो वो तुमको भी हक सीधा रास्ता दिखा देंगे, बता देंगे।
हुकूमत आती और जाती, इख्तदार आता चला जाता, इज्जत बनती भी है बिगड़ती भी है, और जनाब इलेक्शन के वक्त आते हैं चले जाते। अल्लाह की ताकत हमेशा से है, हक परस्त लोग कहेंगे हम तुम्हारे डराने से, तुम्हारे धमकाने से ना तो डरेंगे ना हम उठेंगे। हक की आवाज बुलंद करना जानते हैं, कुरान करीम सीने में है। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में कहा है, तआवनु अलल बिर्रि व तक्वा व ला तआवनु अलल इस्मि व अल उदवान। आपने क्या किया समाज के साथ, आपने क्या किया इलाके के साथ, दुनिया जानती है, आवाम जानती है। आवाम अपनी जबान में आपको इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपको खुद बता देगी। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे नौजवानों, हक बोलना सीखो, हक करना सीखो, शरीयत पर अमल करो। आप इस बात से न घबराइए कि अल्लाह अमल को कबूल करेगा कि नहीं करेगा। आपका नाम अल्लाह के नजदीक नहीं लिखा जाता है, अल्लाह के नजदीक आपका अमल लिखा जाता है। हजरत बिलाल हबशी क्या करते थे, जब भी वो इस्तिंजा करते तो वजू कर लेते, दो रकात नमाज पढ़ते थे, कितना छोटा सा अमल है। एक मौके पर बिलाल हबशी से अल्लाह के नबी ने पूछा कि बिलाल ऐसा कौन सा अमल है, गुलाम हो तुम तो, तुम बदसूरत हो, कौन सा अमल है तुम्हारा जरा बताओ। तुम चलते हो मक्का की गलियों में, तेरे चलने की हाथ सुनाई देती है जन्नत फिरदौस। अमल लिखा गया बिलाल हबशी का, नाम आता है बिलाल का, नाम है छोटो ये गुलाम है, कमजोर है, बदसूरत है, हटाओ इसको, लेकिन नाम नहीं, क्या लिखा गया, अमल लिखा गया। मोहब्बत हो तो ऐसी मोहब्बत हो, मोहब्बत हो तो सुमैया जैसी मोहब्बत हो, मोहब्बत हो तो खब्बाब जैसी मोहब्बत हो, मोहब्बत हो तो हजरत खुदैब जैसी मोहब्बत हो, मोहब्बत हो तो उम्मे अम्मारा जैसी मोहब्बत हो, मोहब्बत हो तो हजरत आसिया जैसी मोहब्बत हो। अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत से इंशाअल्लाह डेफिनेटली वी विल सक्सेस इन दिस माहौल, इन दिस सिचुएशन, इन दिस एनवायरमेंट, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली वी विल सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।